1681 तक औरंगजेब धार्मिक कट्टरता के निम्नतम स्तर पर पहुंच चुका था। उसने जगन्नाथ मंदिर को नष्ट करने का फरमाना जारी किया। उसने बंगाल प्रांत के अपने सूबेदार अमीरुल उमर को इसे ध्वस्त करने का आदेश दिया। फरमान प्राप्त करने वाले अधिकारी मंदिर को नष्ट करने के लिए पूरी पहुंचे। ओडिशा मुगल शासन के अधीन था, हालांकि इसमें अभी भी खोर्धा के राजा थे जिन्हें गजपति के नाम से जाना जाता था, जो मंदिर के रक्षक के रूप में कार्य करते थे। अभी समाचार सुनकर वह और क्रोधित हो उठे और हर जगह हताशा छा गया, लेकिन हर कोई असहाय था। तो आखिर का एक योजना बनाई गई। मुगल सूबेदार के साथ बातचीत हुई, उन्हें रिश्वत के रूप में एक बड़ी रकम की पेश की गई। फिर भी वह सूबेदार औरंगजेब के आदेश को पालन ना करने का परिणाम को अच्छे से जानता था। हालांकि रिश्वत की राशि बहुत बड़ी थी और ओडियास ने उसे प्रस्ताव के साथ राजी करने में सफल रहे और उसने आखिरकार जोखिम लेने का फैसला किया और किसी तरह औरंगजेब को आश्वस्त किया कि उनका आदेश का पालन हो गया। भगवान जगन्नाथ की एक प्रतिकृति बनाई गई थी और उसे गुमराह करने के लिए दिल्ली में औरंगजेब के दरबार में भेजा गया था। मंदिर को स्थायी रूप में बंद कर दिया गया था, सारे कर्मकांड को भी रोक दिया गया, तीर्थ यात्रा को भी रोक दी गई थी और अफवाह फैलाया गया कि जगन्नाथ मंदिर और मूर्ति को नष्ट कर दिया गया। वार्षिक पूरी रथ यात्रा को भी रोक दी गई थी। यह सब करके ऐसा माहौल बनाया गया कि औरंगजेब को विश्वास हो गया कि उसके आदेश का पालन हो गया। उस दौरान दक्षिणी के मराठे औरंगजेब के लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर रहे थे, इसलिए विद्रोह को दबाने के लिए औरंगजेब को डेकान आना पड़ा। सिख जाट आदि लगातार उत्पात मचा रहे थे, इसलिए औरंगजेब पूरी जगन्नाथ मंदिर की तरह ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था और इस तरह मंदिर डिमोलिश होने से बच गई। इसीलिए मराठे और अन्य समूहों के बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से उड़ीसा और हिंदुओं का गर्व जगन्नाथ मंदिर औरंगजेब के प्रकोप से बचा रहा। अंततः औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में मंदिर को फिर से खोल दिया गया और रथ यात्रा भी फिर से शुरू की गई।